हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गीतांश बाबा यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है हीरो की HF डीलक्स BS6 i3S सेल्फ स्टार्ट मॉडल, और इसका जो कलर है ये टेक्नो ब्लू कलर है। तो चलिए फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ब्लू कलर में ग्लॉसी फिनिश में वाइजर देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर हीरो का 3D में लोगो दिया गया है, और इसके साइड में आपको सिल्वर कलर के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ नॉर्मल बल्ब के साथ नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ आपको नॉर्मल हेलोजन हेड लैम्प मिल जाते हैं, जिसके अंदर 35 वाट का बल्ब देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश में मरगार्ड मिल जाता है। और यहाँ पे आपको IBS का स्टिकर देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें फ्रंट और रियर दोनों के ब्रेक साथ में काम करते हैं। और यहाँ पर हमें सिल्वर कलर के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ टायर साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2/75/18 के हमें फ्रंट में टायर देखने को मिल जाता है। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो यहाँ पे हमें 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाता है। और माइलेज की बात करें तो ये बाइक हमें 65 तक का माइलेज दे देती है। और अगर इस बाइक की कर्व वेट की बात करें तो हमें इसमें 110 केजी की कर्व वेट मिल जाता है। और ये FI टेक्नोलॉजी वाली बाइक है, तो इसमें आपको 2 से 3 लीटर पेट्रोल आराम से रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी फ्यूल पंप मोटर ख़राब हो सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 97.2 सीसी का एयर कोल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 7.8 BHP 8000 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 8.05 Nm 6000 RPM पर। और यहाँ पर हमको कैटेलिटिक कन्वर्टर भी मिल जाता है, और ये हमारे सब सेंसर हैं। और यहाँ पे हमें हीरो का लोगो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर HF डीलक्स का लोगो देखने को मिल जाता है, और यहाँ i3S का लोगो देखने को मिल जाता है। और जो इसका कलर है बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। और यहाँ पर हमें साइड मिरर देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके गियर पैटर्न की तो बहुत ही सिंपल है, 4 गियर होते हैं इसमें, और ये चारों गियर पीछे साइड लगते हैं और सामने तरफ न्यूट्रल लगते हैं।
और इसके चैन कवर में बदलाव किए गए हैं। ये अब पूरी तरह से प्लास्टिक में दे दिए गए हैं। और पिछले टायर की साइज की बात करें तो इसमें हमको 2.75-18 के टायर मिल जाते हैं। और बात करें इसी सीट की तो ये काफ़ी लंबी सीट दी गई है इसमें आपको, और बढ़िया भी है और कंफर्ट भी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी मीटर कंसोल की। तो यहाँ पर आपको फुल्ली एनालॉग टाइप का ओडोमीटर और स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। जैसा कि हमने इसका चाबी ऑन कर दिया, यहाँ पर आपको स्पीड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको साइड इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको IBS का इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको डीपर का इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल का इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाता है। और बात करें इसकी स्विच की तो यहाँ पर आपको अपर डीपर का स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपका हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है, हॉर्न भी इसका ठीक है, यहाँ पर आपको सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको i3s का स्विच देखने को मिल जाता है। i3s टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल पे 10 सेकंड से ज़्यादा रुकते हैं तो इंजन को ये ऑटोमेटिक बंद कर देता है, और जब हम क्लच दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट कर देता है। इससे हमें पेट्रोल की बचत होती है और इसे ही i3s टेक्नोलॉजी कहते हैं। बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो 165 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और यहाँ पे हमें नॉर्मल टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ भी हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और हम इसके एग्जॉस्ट साउंड को ज़रा सुन लेते हैं। तो ये हमारी एग्जॉस्ट साउंड थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।